हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज आपके लिए एक और बढ़िया नुस्खा लेके आया हूँ, जिसे दांत सपंदो शिखर पतन जरियान कतरे आना यह सब अलामतें दूर होंगी और मर्दाना ताकत बढ़ेगी। दोस्तों, कुछ दिनों से दो तीन भाई हैं जिन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि मुझे हमें ये बताओ ये बताओ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि जो मैंने नुस्खा बताया हो उसके मतलब पूछा करें, नया कुछ तो आपको क्या पता कहाँ से कैसे मिल गया, तो या किताबों से पढ़ लिया, तो फिर आप मुझे परेशान करते हो। ऐसा ना किया कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं ऐसा फ़ोन पे किसी का इलाज नहीं करता या अख्तरा नुस्खे नहीं बताता। जो मेरे पास नुस्खा है मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, उसी के मतलब पूछें। अब तीन भाई हैं जिन्होंने मना करने पर भी, इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी, नहीं जी आप बताओ, आप ऐसे हैं, आप गुरु हैं, फलाना है, ये वो ऊँचे नीचे। देखो आप, यह तो एक मस्का लगाने वाली बात होती है। चलो, मैंने भी ये सोचा कि चलो दोस्तों को सबको नुस्खा मिल जाए, व्हाट्सएप पे मैं किसी को नुस्खा नहीं देता, लेकिन आप कुछ भी अजीबो गरीब उठा लेंगे तो उसके बदले ये नहीं है। मैं कौन सा इतना कोई भगवान नहीं हूँ भी जो आपने सोचा वही बना के दिखा दूँ। दोस्तों, ऐसा ना किया करें और मुझे मैसेज लिखकर ना भेजा करें, 10 मिनट से ज़्यादा चैट ना किया करें, और जो फजूल बात करते हैं उनका नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा और दोबारा नहीं खोलूँगा। तो दोस्तों, यह नुस्खा है जो आपने पूछा था, बड़ बहुफली सत बताएं क्या होता है। देखो, आपने कहीं से पढ़ लिया, बो बली बो बोड़ बल फली, या किसी और से लफ्ज में बोलते हैं, इनका मकसद तो एक है, बोड़ बोड़ मैंने बड़, यह बोड़ होता है, और यह बोफली, यह बोफली पंसारी पे मिलती है, बहुत सस्ती चीज़ होती है। इसी का किसी अच्छे कीम ने लिख दिया, बोड़ बोफली सत, ठीक है जी, बोड़ बोफली सत। इसको इधर उधर लिखा हो तो उसका मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मेरी जो आपने बार बार किया, मैंने समझाया भी, लेकिन फिर आप समझाता हूँ, आप बोलते वीडियो बनाओ, तो देखो हर चीज़ की वीडियो नहीं बनती। सो यह लास्ट बार है, और वो भी मैं मैसेज ये देने के लिए बना रहा हूँ भी ऐसे मुझे मैसेज ना किया करें, 10 सेकंड से ज़्यादा वॉइस मैसेज ना करें, जो वीडियो है उसके मतलब पूछें, दवाइयाँ बनाकर मैं बेचता नहीं हूँ, ठीक है जी। सो दोस्तों, आते हैं नुस्खे की तरफ। यह दोस्तों है बोफली, ऐसी घास सी होती है बोफली, यह पंसारी पे बोफली के नाम से ही मिलेगी, तो आपने ये ले लेनी है। अब इसका मेरे को बाकी नहीं पता है, हम तो इसी नाम से लेके आते हैं, यह हर पंसारी जानता है, इसको बोफली बोलते हैं। इसका 2-3 फुट ऊंचा पेड़ा होता है, लेकिन यह मर्दाना ताकत की बहुत बड़ी दवाई है। इसके बदले भी मैं बाद में आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी नुस्खे मैं बताऊंगा, अगर इस पे बनाए तो 100 नुस्खे बन सकते हैं। यह आयुर्वेद की सेक्स पावर की बहुत बढ़िया दवाई है, यह वीर्य को बहुत गाढ़ा करती है, स्पर्म काउंट बढ़ाती है और वीर्य वाहिनियों को मजबूत करती है। ये अकेली ही इसका स्कूप अगर 1 महीना खा लिया जाए तो आपके अंदर इतनी ताकत आएगी और स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, वीर्य गाढ़ा होगा। कारण क्या है, यह वीर्य को बहुत गाढ़ा करती है, जब वीर्य गाढ़ा होता है, वीर्य रुकेगा, वीर्य कोश में धारण होगा तो स्पर्म काउंट जल्दी बढ़ेंगे। शिखर पतन की भी यही दवाई है। तो दोस्तों, आज का तो जो मसला है वो बोड़ बोफली सत कैसे बनता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, यह बोहड़ सब जानते हैं, यह बोहड़ की ऐसे कोपले तोड़ते हैं, ऐसे ये थोड़े पत्ते आ जाए इसको, वैसे इतनी भी ले सकते हैं आप, इतना ले लें, ठीक है। इनको 1-2 किलो लेकर कूट कर, यानी कि इसकी 2-2.5 किलो लुगदी बननी चाहिए। सबसे पहले आपने करना है, ये बोफली ले आकर इसको पीस कर, तो रात को मान लो यह 1/2 किलो या 1 किलो, 1 किलो आपने ली है, 1 किलो सूप को
पाँच या दस किलो दूध पानी में रात को भिगो कर रखें, सुबह इसको रख लें। और यह एक किलो सूप है वो फली, अरे एक किलो ये लें, यह बढ़ के कच्चे पत्ते और इसको कोपल बोलते, कोपलों को लेकर इनको पीस कर लुगदी बनाएं, फिर दोनों को निकाल कर पानी में से यह पानी छान लें और इसको निकाल कर और इसको अच्छी तरह से रगड़ाई करें, यानी कि बिल्कुल एक जख जान हो जाएं, फिर वो पानी के अंदर खरल करें। पानी के अंदर खरल करने के बाद दोस्तों फिर इनको कपड़े से छान लें, छानने के बाद धूप में रखें और वो जब पानी सूख जाए या आग पे पानी सुखा दें, जो नीचे मादा बैठेगा उसको बड़ बो फली सत बोलते हैं। तो दोस्तों यह बड़ बो फली सत बनाने के बाद आप चंद दिन खाएं तो आपके अंदर दाद सपन दो शिखर पतन सब दूर हो जाएगा। साथ में सहदाता कुस्ता खाएं, सहदाता कुस्ता होता है कली जस्त और शीशा, इन तीन चीज़ों को कुस्ता बनता है बाज़ार में, कुस्ता सहदाता मिल जाता है या त्रिवंग बसम ले सकते हैं, नहीं तो केला ये भी बहुत काम करेगा। सुबह शाम दूध के साथ एक चौथाई चमचा खाएं, 10 दिनों के अंदर अंदर आपके अंदर वीर्य गाढ़ा होगा, टाइमिंग बढ़ेगी। और जिनको सेक्स की बात करते हुए आगे अगली तरफ में पत चिपचिपा सा आ जाता है, कतरे आ जाते हैं, जरियान होता है या रात को अपने आप वीर्य निकल जाता है जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, या लैटरिंग के बाद दांत कहती है, यह एक दो महीने में बिल्कुल ठीक कर देती है, 10 दिन में बंद कर देते, लेकिन आप एक डेढ़ महीना इसको खाएं आधा चम्मच दूध से सुबह और शाम। सो दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया बड़ बो फली सत क्या होता है। तो आइंदा आप ध्यान रखें, मैं हर आप जो मुझे कमेंट कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं मैं नोट रखता हूँ, तो बार 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 उसी बात को रिपीट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं मैं तंग होकर बता दूंगा, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। जिसने भाई ने मुझसे कुछ पूछना है व्हाट्सएप मैंने दे दिया है कि मैं चोर नहीं हूँ, ना मेरा कभी यह नंबर बंद होगा। चोर लोग होते हैं जो नंबर नहीं देते, मैंने पहले दिन से नंबर दिया है क्योंकि मैंने तो आपको सेवा करनी है, ना मैं दवाइयाँ बेचता हूँ ना मैं आपको फार्मूला बना के ये बोलता हूँ कि आकर मुझसे ख़रीदें। सो दोस्तों अच्छी अच्छी अब मैं इसके बाद एक शुगर की ऐसी दवाई हम बनाते हैं जिससे इंसुलिन तक छूट जाती है, लेकिन वो यूट्यूब पे हमने नहीं बताई, तो समय आने पर वो भी मैं बता दूंगा। जिन भाइयों को शुगर के कारण सेक्स की बहुत कमज़ोरी है उनके लिए दवाई बनाते हैं, उसमें खर्चा जड़ी बूटियों कम है लेकिन मेहनत है, 3-4 सिलेंडर लग जाते हैं, 10-15 दिन का समय लग जाता है, इतना मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकता। और वैसे मैं बताऊंगा जवानी तो फिर आप मुझे फिर तंग करोगे, वो कैसे होगा जी उसका दिखाओ जी, इसलिए फिर मैं कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो आप तंग करते हैं वो नहीं बताता। अब लिंग वर्धक तेल है हम बनाते हैं, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको जो जवानी बता दिया तो आप बहुत तंग करेंगे, क्यों पहले ही कर देते हैं जो शरेआम दिखाई हुई चीज़ भी है। सो दोस्तों इसलिए हम बताते नहीं, तो अगर वो तेल और वो दवाइयाँ हम वैसे ही लोग हमारे से ले जाते हैं वो हम बेच देते हैं, 7 दिन के 8 दिन में ही लिंग बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी बता सकते, उनका कारण ये नहीं हमने आपसे छुपानी है, उसका कारण ये है कि कुछ लोग जिनको कुछ नहीं आता लेकिन YouTube खोलिया कोई पैसे नहीं लगते, सुना अच्छा लगा और फिर लग गए मुझसे बात करने, यह बताओ वैद जी ऐसे करो कि एम जी ऐसे करो, तो वो परेशानी वाली बात है। अगर आप चाहते हो कि कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत पड़े आप मुझसे मैसेज करके कुछ पूछना चाह सकें तो कृपया मैसेज ना करें, 10 सेकंड से ज़्यादा ना करें और बिना मतलब से ना करें। दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।